हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बिंदास हरमन। सो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है, सना एंड राहुल वैद्या दोनों ने ही रिसेंटली खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 में पार्टिसिपेट किया था। वहां पे इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड था वो काफ़ी अच्छा था, लेकिन अब इन दोनों के बीच में इतनी बड़ी लड़ाई पड़ चुकी है कि सना ने साफ साफ कह दिया कि वो पूरी ज़िंदगी राहुल वैद्या से बात नहीं करना चाहती। तो ये पूरा मुद्दा क्या है वो मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। जब खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 टीवी के ऊपर टेलीकास्ट हुआ था तो फर्स्ट वीक में ही एक स्टंट था जिसे विशाल आदित्य सिंह, सना एंड राहुल तीनों ने करना था। वो वाटर व्हील स्टंट था जिसमें कंटेस्टेंट एक व्हील के ऊपर होता है और वो व्हील वाटर में रोटेट होता है और उसे अपने आप को अनलॉक करना होता है। विशाल आदित्य सिंह ने उस स्टंट को अबॉर्ट कर दिया था। सेकेंड नंबर पर राहुल वैद्या गए थे जिन्होंने वो स्टंट लगभग 6 मिनट में किया था और जो सना है उसने सिर्फ 36 सेकंड्स में उस स्टंट को कर दिया था और वो उस स्टंट के लिए एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। अब इस स्टंट के बाद राहुल वैद्या के जितने भी फैंस थे उन्होंने ट्विटर के ऊपर ट्रेंड किया कि राहुल वैद्या ने ये स्टंट काफ़ी अच्छा किया बिकॉज विशाल आदित्य सिंह ने अबॉर्ट कर दिया था। राहुल भी ऑलमोस्ट अबॉर्ट करने वाले थे लेकिन उन्होंने फिर भी लास्ट तक फाइट की और उन्होंने वो स्टंट कम्प्लीट किया। तो राहुल वैद्या के जो फैंस थे वो राहुल को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे जो राहुल के हेटर्स थे उन्होंने एक ट्वीट किया कि जब सना ने 36 सेकंड्स में उस स्टंट को कंप्लीट किया तो राहुल वैद्या का जो मुंह था वो उतर गया था। उसे काफ़ी बुरा लगा कि सना ने 36 सेकंड्स में क्यों स्टंट कंप्लीट कर दिया। अब इसके रिप्लाई में सना ने एक ट्वीट किया था जो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो कि नीचे जो भी राहुल वैद्या का जो भी हेटर था उसने लिखा है कि जो राहुल वैद्या का फेस है वो काफ़ी जेलस दिख रहा था जब उसने देखा कि सना ने 36 सेकंड्स में स्टंट कंप्लीट कर दिया। तो इसके जवाब में सना ने लिखा है, हा हा हा, वेल दे डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस गर्ल कैन डू इट, वेल आई डिड इट। तो इसमें ये क्या यहाँ पे जो लड़ाई का मुद्दा बना वो ये है कि सना ने यहाँ पे जो राहुल वैद्या के लिए हेट कमेंट आया था उसको रिप्लाई भी किया और उसको लाइक भी किया। अब इसके बाद जो राहुल वैद्या के फैंस थे वो काफ़ी गुस्सा हो गए, उन्होंने सना को ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। ये बात तब की है लेकिन फाइट इसके कारण अब हुई है वो मैं आपको लिंक करके बताता हूँ कि कैसे। तो सना ने कोई स्विम वेयर की पोस्ट डाली थी जिसके ऊपर राहुल वैद्या के फैंस ने नेगेटिव कमेंट करना स्टार्ट कर दिया कि ये कैसे कपड़े तुम डाल रही हो। इसके बाद सना ने राहुल वैद्या को कॉल की कि भाई ऐसे ऐसे मैटर है, मैंने तो सिर्फ उसका रिप्लाई दिया था और तुम्हारे फैंस मेरे को ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। तो राहुल वैद्या ने कहा कि कोई बात नहीं, इग्नोर करो, फैंस हैं वो ऐसे कमेंट वगैरह करते रहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब स्टार्ट हुई जब सना ने देखा 2-3 हफ्तों के बाद कि राहुल वैद्या ने उसे अनफॉलो कर दिया। तब सना ने राहुल वैद्या को कॉल किया और पूछा कि तुमने मेरे को अनफॉलो क्यों किया है। तो राहुल वैद्या ने बोला कि मैंने तुमको इसलिए अनफॉलो किया है बिकॉज तुमने मेरे अगेंस्ट हेट कमेंट्स को लाइक किया था। तो इस बात पे सना को गुस्सा आया कि तुम कैसी बच्चों जैसी बात कर रहे हो, मैंने तुम्हें कभी भी डायरेक्टली कुछ भी नहीं बुरा बोला और जो वो कमेंट मैंने किया था वो मैंने सिर्फ अपने टास्क के रिलेटेड किया था और जो तुम्हारे फैंस बोल रहे थे उनको मैंने रिप्लाई दिया, मैंने तुम्हारे अगेंस्ट कभी भी कुछ भी नहीं बोला और तुम क्या एक सोशल मीडिया के कमेंट की वजह से अपनी दोस्ती ख़त्म कर रहे हो। तो इस बात के ऊपर सना को गुस्सा आया और सना ने देख लिया कि इसका बिहेवियर काफ़ी बच्चों जैसा और उसने बोल दिया कि ठीक है, अगर तुम्हें यही मंजूर है तो मैं आगे से पूरी ज़िंदगी में तुम्हारे साथ कभी भी बात नहीं करूँगी। ये सना ने एक इंटरव्यू में बोला। राहुल वैद्या की साइड की स्टोरी एग्जैक्टली क्या है वो हमें नहीं पता। ये सना ने अभी रिसेंटली एक दिन पहले ही इंटरव्यू दिया है जिसमें ये सारी बातें उन्होंने बताई है। आपके अकॉर्डिंग इस पूरे मैटर में कौन सही है कौन गलत हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए आप प्लीज़ हमारे YouTube चैनल बिंदास हरमन को सब्सक्राइब कर दो।